तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब विखे दशमेश सतगुरु जी दे आगमन गुरपुरब नू मना रही गुरु सवारी साध संगत जी, आप जी इस वेले देश प्रदेश विच बैठ के तखत साहब जी तो गुरमत दीवान दा गुरमत समागम दा आनंद माण रहे हो। आओ निर्धारित समय विच रह के आप जी दे सन्मुख कुछ बेनतियां कर सकां। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी का आगमन पटना साहिब की इस धरती ते होया और गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे संबंध दे विच अनेकां समकाली रचनाकार कवियां ने लिखारियां ने हजूर दे जीवन नू कलमबद्ध कीता है। ओ सानू कविता रूप भी मिलदा है ते सानू वार्तक रूप विच भी मिलदा है। सच ए वे के गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु नानक जोत दे दसवें वारस ने मालिक ने उन्होंने भारत वर्ष दियां मानसिक गुलामी दियां जंजीरां भी कट दित्तियां ते उन्होंने शरीरक गुलामी दियां जंजीरां भी कट दित्तियां। मैं दो शब्द फिर दोहरान लगा, मानसिक गुलामी दी जंजीर भी उन्होंने बंधन उन्होंने कट दिते। सच एवे के शरीरक बंधन भी गुरु गोबिंद सिंह ने गुलामी दे कट दिते, क्योंकि मानसिक बंधन हुंदा है कि इंसान किसी भी राज प्रबंध नू किसी भी सिद्धांत तो प्रभावित होके जां ताकत तो प्रभावित होके अपने धुर अंदर दी आजादी नू खत्म कर देंदा। जिवें उदाहरण दे तौर ते इस धरती ते उस वक्त मंदिर दी पूजा करन विच दिक्कत सी, तिलक जन्यू खतरे भी सी ते इस गुलामी नाल सच एवे बाहर दी गुलामी नाल अनेकां नू मानसिक तौर ते गुलाम कर दिता गया। धर्म की दुनिया विच ऐसा देखने मिलता है। सब तो पहला गुरु नानक की जोत ने साड़ी मानसिक गुलामी नू खत्म किया। मानसिक गुलामी फिर शब्द सुनियो, जदों बंदा मानसिक तौर पर गुलाम हो जाए सच एवे उदों उसकी जिंदगी अत दी दुश्वारियां भरी हो जाती है। मैं कई बार बेनती करना हुन्ना, हाथी विच बड़ी वड्डी ताकत है समर्था है,
पर जदों खाती संगल दा गुलाम हो जाए ते उस दी आदत इन्नी क पक जांदी है, तुसी संगल नाल बन्नन दी थां उहनूं किते कच्ची रस्सी नाल वी बन्न दिओ, हाथी ओथी खलोता रहिंदा है क्योंकि उह मानसिक तौर ते गुलाम हो चुका है बंधन दा। संगल ना वी बन्नो, तुसी कच्चे धागे नाल उहनूं बन्नदा यतन करो, उह सारा दिन उत्थे खलोता रहेगा क्योंकि उहदी मानसिक तौर ते इस गुलामी नूं स्वीकार कर लिया है कि जदों मेरे पैरां दे विच किसे ने बंधन पाना है ते मैं अगे चल ही नहीं सकदा। वह मानसिक गुलामी है। सतगुरां ने सानू मानसिक गुलामी तो भी मुक्त किया, जिवें उन्हां दा एक अमृत सवैया है जिहड़े तुसी सारे पढ़ते हो। उस सवैये विच गुरदेव ने करम कांडा दी वहमां भरमां दी गुलामी नूं तोड़ के रख दिता। वह जदों खालसे की परिभाषा देंदे आ ते हजूर ने फरमाया, जागत जोत जपै निसबासुर, एक बिना मन नैक ना आने। एक तो बिना अनेकां वल झाती मारनी वह असल च मानसिक गुलामी है। जागत जोत जपै निसबासुर, एक बिना मन नैक ना आने। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै ब्रत गोर मड़ी, मठ भूल ना माने। इस तुकां नूं फिर सुनियो कि मड़ियां दी पूजा, कबरां दी पूजा, देहधारियां दे मठां दी पूजा, कीर्तन दी पूजा, पत्थरां नूं पूजना, मूर्तियां नूं पूजना, सतगुरु ने जेड़ी कई सदियां तो बंदा मानसिक तौर ते कीर्तन दी पूजा दा गुलाम सी, गुरु गोबिंद सिंह दे शब्द ने उस गुलामी नूं खत्म करके रख दिता। शब्द फिर सुनियो कि जागत जोत जपै निसबासुर, एक बिना मन नैक ना आने। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै ब्रत गोर मड़ी, मठ भूल ना माने। जिन्हों सतगुरु अगे कहने तीर्थ दान दया तब संयम, एक बिना न एक पछाने। पूर्ण जोत जगह घट में तब खालस ताहे नखालस जाने। जेड़ी मानसिक तौर ते गुलामी सी, हजूर ने वह वहमां भरमां की गुलामी दिया जंजीरां भी तोड़ दित्तियां, अंदरों दुबदा खत्म कर दित्ती। मैं आपनूं उदाहरण दित्ती कि हाथी नूं संगल ना वी पाओ, उहदे अंदर दा वहम भरम बन गया है, वह धागे के सहारे भी खड़ा रहेगा। जदों बंदा अंदरों वहमी भरमी हो जाए, चेते रखियो उदों निक्की निक्की गल तो खौफ खांदा है, डरदा है। गुरु गोबिंद सिंह ने मानसिक ख्यालां दी जिहड़ी गुलामी सी उहनूं भी शब्द दे नाल खत्म करके रख दिता। दूसरी शरीरिक गुलामी जिहड़ी सी हिंदुस्तान की धरती ते सदियां दी, ते मैं किसी मजहब नूं किसी धर्म नूं टारगेट बना के नहीं, मजहब कोई भी होवे, जेड़ा बंदा धर्म के नाम से जुल्म करता है, सच एवे गुरु गोबिंद सिंह की विचारधारा उस जुल्म नूं स्वीकार करती ही नहीं। भावें वह पहाड़ी राजे सन ते भावें औरंगजेब सी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी जिंदगी च 14 जंगा लड़िया ने। मैं बड़े संखेप जे समय च 14 जंगा लड़िया ने। कोई जंग भी गुरु गोबिंद सिंह जी की जर जोरू ते जमीन वास्ते नहीं, दुनिया की किसी हबश वास्ते कोई जंग नहीं, इस्त्री वास्ते जंग नहीं, जमीन कब्जे करन वास्ते जंग नहीं। इत्थों तक जिस आनंदपुर साहब की धरती ते गुरु गोबिंद सिंह रहे ने, उस जमीन भी पिता गुरु तेग बहादुर जी की खरीदी हुई सी। गुरु गोबिंद सिंह ने किसी की जमीन ते कब्जा नहीं किया, उन्होंने राज की खबश नाल नहीं कोई। 14 दियां 14 लड़ाइयां गुरु गोबिंद सिंह ने हक लई सच लई लड़ियां। मैं आप नूं बेनती करां कि गुरु गोबिंद सिंह केवल योधे नहीं, केवल जरनैल नहीं, वह रूहानियत के तौर पर इन्ने उच्चे शिखर ते ने कि अपने पुत्रां दे टुकड़े हुंदे होए भी गुरु गोबिंद सिंह दा अंदर डोलिया नहीं। मैं इस करके कहांगा, कल्ला यह कह देना जरनैल जंगजू जां लड़न वाले एक उदाहरण है। देखो बड़े मैं थोड़े शब्दों च असी 12 माह के शब्द वरतने। साढ़े विच जदों दिन मनाए जाते ने शहादतां दे, 6 पोह तो लैके 13 पोह यह सिख इतिहास विच दिन बड़ी वड्डी थां रखदे। बड़े सरल जिहे शब्दों च 6 पोह की रात ते 7 पोह की सवेर, उस रात गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहब का किला छड्डदे आ। सुनियो, सारी रात सफर करदे आ, अमृत वेले का दीवान सरसा के किनारे सजदा है,
सत पो नू सारा दिन गुरु गोबिंद सिंह जंग करदे तुरदे आ, सत पो दी रात नू चमकौर दी गली च प्रवेश करदे आ, अठ पो दा दिन चढ़दा सारा दिन जंग हुंदी ए, ते अठ पो नू गुरु गोबिंद सिंह दे वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह पंजां प्यारियां विच्चों तीन प्यारे ते तकरीबन 35-36 दे करीब होर सिख शहादतां दा जाम पींदे आ, पर गुरु गोबिंद सिंह अपने पुत्रां दे तन दे टुकड़े हुंदिआं वी सच एवे उन्हां दे अंदर ना मलाल आया ना उन्हां दे अंदर डोलन वाली कोई बिरती आई। वह पुत्रां दी शहादत नूं वी देख के कहिंदिआ शाबाश पिसर, शाबाश पिसर, खूब दलेरी से लड़े हो, हां क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज छोटे पुत्र नूं तोड़ दे। कोई बाप अपने बेटे नूं कदी ए शब्द कहिंदा? आम तौर ते असीं कहिंदा मेरा पुत्र उच्चे रुतबे ते जाए, इहदे कोल चंगी डिग्री होवे। गुरु गोबिंद सिंह कहिंदिआ बेटा जुझार सिंह तेरे सीने विच बरशी वजे, तू मूंह मेरे वल करी, मैं तेनूं शहीद हुंदा देखना चाहुंदा। मैं अर्ज करां हजूर ने क्या ख्वाहिश है कि तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आम से तुम्हें बरसी खाते हुए देखें। शब्द की कृपा नाल साडी मानसिक गुलामी कटी, ते शस्त्र की कृपा नाल गुरु गोबिंद सिंह ने शरीरिक गुलामी कट दी। ऐसे दीन दयाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां दा पुरब आप अज मना रहे हां। साफ संगत नूं जिथे जिथे भी आप सुन रहे हो बहुत बहुत बधाई होवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल।